हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरत। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग का कमेंट था कि जो सीपीवीसी का 1 इंच पाइप से हमको 3-4 कनेक्शन लेना है, वो किस तरह लेना है। फ्रेंड्स, इसके लिए 3 ऑप्शन में आपको बताऊंगा। 3 तरीके से आप वो कनेक्शन निकाल सकते हो 1 इंच से 3-4। और वो ऑप्शन क्या है, 3 तरीका क्या क्या है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 1 इंच का पाइप है, CPVC का 1 इंच पाइप है। और हम जब ये पाइप को कहीं कनेक्शन लेना पड़ेगा तो हमको पाइप से पहले बीच में कट करना पड़ेगा। देखिए, मैं अभी 2 टुकड़ा लिया हूँ आपको बताने के लिए। फ्रेंड्स, देखिए, ये अभी मैंने पाइप को समझो कट हो गया। कट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ओके 1 इंच का टी लेना है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है और आपको काम भी ज़्यादा है। ये जो ऑप्शन है, पहले आपको ये टी को पेस्ट लगा के पुश कर देना है दोनों तरफ में। टी अभी पुश हो गया, अगर ऑलरेडी एक पॉइंट निकल गया, लेकिन ये पॉइंट 1/1 का है, 1 इंच बाय 1 इंच का पॉइंट है। अगर आपको 3-4 बनाना है तो फ्रेंड्स, इसमें एक पहले टुकड़ा लगाना है, 1 इंच का एक टुकड़ा लगाना है। फिर फ्रेंड्स, एक 1 इंच बाय 3-4 का एक रोडेसर कलर लेना है। ये CPVC का 1 इंच बाय 3-4 रोडेसर कलर यहाँ पे पेस्ट लगा के पुश कर देना है। उसके बाद आपको 3-4 पाइप का पेस्ट लगा के पुश कर दिया तो अभी ये फ्रेंड्स क्या हो गया, 1 इंच बाय 3-4 का कनेक्शन निकला है। फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ज़्यादा खर्चा है और ज़्यादा मेटेरियल भी लगा है। समझो, यहाँ पे एक CPVC पेस्ट है, ये जो कलर है, और एक टुकड़ा है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये हर एक जॉइंट को आपको पेस्ट करना पड़ेगा, आपका पेस्ट का भी खर्चा होता है। और एक ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, ये अगर आपने 1 इंच का 1/1 का टी ले लिया, 1 इंच बाय 1 इंच का टी ले लिया, तो आपको एक बुश लेना पड़ेगा। ये 1 इंच बाय 3-4 का बुश है, और ये बुश को पेस्ट लगा के इसमें पुश कर देना है। और ये जब पुश हो जाए, जब पेस्ट लगा के पुश करोगे, ये टच हो जाएगा पूरा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे 3-4 कनेक्शन आपको पेस्ट करके लेके जा सकते हैं। ये एक ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सा खर्चा कम है, इससे थोड़ा खर्चा कम है। और सबसे आसान तरीका क्या है और सबसे खर्चा कम कौन सा है, मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, आपको 1 इंच का टी नहीं लेना है, आपको 1 इंच बाय 3-4 का टी लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये 1 इंच का टी क्या होता है, ये 1/1 का टी है, 1 इंच बाय 1 इंच। बोले तो 3 तरीका जो रास्ता है वो सब 1 इंच का है। और ये टी आपको लेना है 1 इंच बाय 3-4। आपको सिर्फ एक टी में काम हो जाएगा, ये टी लगा दिए और आपको 3-4 का कनेक्शन निकाल दिए। ये देखिए, ये के सबसे आसान तरीका और खर्चा कम है। खाली एक टी का जो खर्चा है और थोड़ा पेस्ट का, ये जो जॉइंट लेने के लिए। और ये सब तरीका में क्या है सर, फ्रेंड्स, इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है और आपको वो काम भी ज़्यादा होता है। ये भी वही 1 इंच से 3-4 है, लेकिन ऑप्शन ये 3 टाइप का मैंने इसलिए बताया आपको, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे ना हमको 1 इंच से 3-4 कनेक्शन कैसे लेना है। फ्रेंड्स, आपको ये 3 तरीका है, आपको चूज करना है आपको कौन सा तरीका ईजी और आसान, खर्चा कम। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।